हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे महाभारत का 53 एपिसोड्स। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कर्ण और अर्जुन का आपस में मुकाबला हुआ था, और जिसमें मतलब सूरज ढल गया तो अर्जुन ने बोला कि अभी हम नहीं लड़ सकते, इसके बाद आपको मौका मिलेगा, अभी आप राजा बन गए हो तो बहुत मौके आएंगे। बाकी जैसे जैसे महाभारत आगे जा रही है, हमारा भी मतलब अभी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। पहले हम भी एक दो एपिसोड देखकर छोड़ देते थे, पर इंशाल्लाह अभी आपके साथ इस तरह देखते रहेंगे, मज़ा आ रहा है। तो देखें मगर भाई। हाँ, प्ले करो यार। यदि समाज जानेगा कि कर्ण आपके विवाह से पूर्व जन्मा पुत्र है तो उसका सम्मान नहीं बढ़ेगा, किंतु आपके 5 पुत्रों का उपहास होगा। मुझे नहीं विचार करना, किसी का विचार नहीं करना चाहती मैं। बाल मन में जब वो रोया होगा तो किस बात है उसके आंसू पोंछे होंगे। उसके सारे पुराने आंसुओं के दाग पोंछते हैं मुझे। अपने अपने कर्ण के बालों में हाथ फेर कर उसे सांत्वना देना चाहती हूँ मैं। बाकी गोद के बाहर कोई बाल पर नहीं होता प्रिय बता, कोई बाल पर नहीं होता। माता की गोद के बाहर बालपन नहीं होता राधा मां, जीवन ही नहीं होता। सर पर मुकुट रखने के पश्चात भी अपनी गोद में सर रखकर सोने दोगी ना? मुकुट उतार कर मेरे गोद में सर रखना पुत्र, वरना चुभेगा मुझे। राधा मां, मेरा राज्याभिषेक आपको सुख नहीं दे रहा? मनुष्य का सुख उसके क्षमता के अनुकूल होता है। मैं तो राज्याभिषेक, राजभवन कुछ नहीं समझ पा रही हूं। मुझे तो केवल इस बात का आनंद है कि बहुत वर्षों के पश्चात मेरे पुत्र के मुख पर संतोष और गौरव का तेज देख रही हूं। देख लो इस तेज को राधा, समय आने पर पश्चाताप की काली छाया होगी इस पे। लोग ये कहेंगे कि सम्मान की लालसा ने जीवन भर का अपमान दे दिया कर्ण को। मैं समझा नहीं पिताश्री। कोयले में पड़ा हुआ रत्न कोयला ही माना जाता है पुत्र। सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्रों से मैत्री करके तुम्हें सम्मान प्राप्त नहीं होने वाला। जहां पे अधर्म होता है वहां पर केवल अपमान ही प्राप्त होता है। जब मैंने क्रीडांगन में प्रवेश किया था उस समय तो मेरी मैत्री नहीं थी किसी से, तब क्या सम्मान मिला था मुझे? कैसे मिलता पुत्र, क्रीडांगन में तो तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं था। जहां सामर्थ्य की परीक्षा हो वहां हर सामर्थ्यवान का स्थान है, होना आवश्यक है। जाति और कुल के नाम को शक्ति और सामर्थ्य का प्रमाण मानने वाला यह समाज क्या शीघ्र ही अपनी सारी शक्ति गवाकर निर्बल नहीं हो जाएगा? किंतु इस सत्य को जाना केवल राजकुमार दुर्योधन ने, वो उदारता दिखाई धृतराष्ट्र के पुत्र ने। अवश्य ही उसका उसमें कोई ना कोई स्वार्थ होगा। होगा, ईश्वर से कुछ पाने के हेतु से किया गया यज्ञ भी यज्ञ ही होता है पिताश्री। राजकुमार दुर्योधन के स्वार्थ के बारे में सोचना हमारा कार्य नहीं, उसके उपकार को स्वीकार करके अपना प्रेम और समर्पण देना हमारा कर्तव्य है पिताश्री। कर्ण, शास्त्रों में लिखा है कि दान और उपकार
यदि सज्जनों से प्राप्त हो तभी स्वीकार करने योग्य होता है। पर शायद तुम्हारी हताशा इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि तुम्हें धर्म नहीं दिखाई देता। जाओ पुत्र, अपने कर्तव्य का वाहन करो। परेशान है आप मेरे साथ नहीं चलेंगे पिताश्री? के बिना किस प्रकार जीऊंगा राधा मां? आप नहीं चलेंगी? नहीं पुत्र, हम यहीं पे रहेंगे। यदि किसी दिन तुम्हें ऐसे घर की आवश्यकता पड़े जहां पर अधर्म की छाया भी ना पड़ी हो, तब तुम्हें लौटने के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसा घर होना चाहिए। हम तुम्हारे इस घर को धर्म में रखेंगे राधे। करना भी बेचारा परेशान है। जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अपने पुत्र के माथे पर मुकुट नहीं रखोगी राधा मां? ताकि इसका भार मुझे स्मरण दिलाता रहे कि मैंने क्या गंवाया है जीवन में। माता और पिता को छोड़े कैसे अप
मुकुट सिंहासन पाया, फिर भी हाथ नहीं कुछ आया। व्यर्थ यहाँ पाने की आशा, जीवन है बलिदान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। नहीं आ रहा था करना को सिंहासन, राजा बन गया, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप मतलब अभी तक दुखी हैं। और पता नहीं क्यों वो इस तरह कर रहे थे करना के साथ। उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके बेटे को अभी सम्मान मिला है और अभी राजा बनेगा, अभी और भी हस्तिनापुर में इसका नाम होगा और इनके भी जो दुख हैं वो भी ख़त्म होंगे। लेकिन इनका पता नहीं, वो समझ रहे थे अधर्म है और इसको हम पुराने घर को धर्म महल कहेंगे। करना ने तो बचपन से ही दुख देखे हैं, हम तो समझ रहे थे कि अभी उसको खुशी मिली है तो ये बड़ी बात है, लेकिन करना का नसीब ही कुछ ऐसा है कि वो जब भी उसको खुशी मिलती है तो कुछ ना कुछ इस तरह हो ही जाता है। तो अभी माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी आ रहे तो इमोशनल सीन था, दुख की तो बात है। वो तो राजा तो बन गया तो उसके माता पिता नहीं गए, फिर अपनी माँ ने उसको ये मुकुट पहनाया, फिर भी वो रोते जा रहा है। तो अभी क्या होगा आगे आगे, जितना भी तफ ने, और महारानी कुंती भी वो भी बोल रही है तो मैं अपने बेटे के पास जाऊंगी, करना के पास, उसके हाथ पर सर पर रखूंगी। तो जब भी आगे आगे देखेंगे वो करना है, इसको तो यार खुशी मिली ना, पर इतनी बड़ी खुशी में उनके माँ बाप शामिल नहीं हो सकते भाई, ये बुरी बात है। और ये इसके माँ बाप भी भाई ये बोल रहे हैं कि भाई आपको जब वहाँ पर अंधकार दिखेगा तो आपके पास यहाँ पर उजाला होगा, तो आप यहाँ पर आ जाना, ये हमने आज देखा। ओ, लेकिन उसने क्या किया कि वादा कर लिया ना दुर्योधन से, वचन ले लिया कि मैं अभी आपके साथ मरते दम तक साथ रहूँगा। तो इस वजह से करना अभी मजबूर है कि माँ बाप को भी छोड़ रहा है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो थैंक यू।